हमारी लाइफ सबकी लाइफ रेयर है, उसको जितना आप मज़ेदार एक्सपीरियंस बना सकते हैं अपनी तरफ से, प्रोडक्टिव, गुड फॉर अदर पीपल एज वेल, एंड यू नो इफ़ यू कैन फ्लरिश। या मैं कई बार प्रोड्यूसर्स को कहता हूँ कि यू नो मेरी मार्केटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो ऑडियंस और मीडिया जो है वो बड़ी मार्केटिंग करता है हमारी। जब फिल्म को पसंद आती है तो खुद बोलते हैं, वो खुद लव लेटर्स लिखते हैं, जिससे इस फिल्म के लिए लोगों ने रिव्यू नहीं लिखे हैं, लव लेटर्स लिखे हैं, और ऐसे ही ऑडियंस जो है वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से उसको चला देती है। अब हमारा, मुझे कभी नहीं पता था कि ज़्यादातर मेरी फिल्मों का, जो फिल्में अच्छी लगती हैं लोगों को, उनका फ्राइडे से बड़ा मंडे होता है। ये कैसे होने लग गया मुझे पता नहीं, मैं कोई मार्केटिंग को रीडिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऐसे होने लग गया। अब हमारा पिछले फ्राइडे से ये फ्राइडे ज़्यादा बड़ा है, ऐसा रेयरली होता है। सो दिस इज़ ग्रेट फीलिंग, यू नो दिस इज़ साइन कि ऑडियंस इसको, इसकी मार्केटिंग कर रही है, हम नहीं कर रहे, जितनी करनी थी हमने कर दी। दोनों फिल्में बहुत अच्छी है, और ये फिल्म तो खैर बहुत तारीफ सुनी है, मैं देख नहीं पाया बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई एडिटिंग ऑफ मुबारका, बट जिन लोगों से भी सुना है इतनी तारीफ सुनी इस फिल्म की, और मैं चाहता हूँ कि जैसी मेरी एडिटिंग ख़त्म हो 4-6 दिन बाद जाके मैं फिल्म देखूँ। एक्चुअली हमारा जो फ्राइडे का फिगर है, पहले तो प्रोड्यूसर है तो नंबर्स की बात करते हैं, इज़ द सेम एज इज़ हायर देन लास्ट फ्राइडे, जो एक्चुअली कब ज़्यादा होता नहीं है। सो वी आर वेरी हैप्पी। आई थिंक द फिल्म इज इतना प्यार और इतना लव, मुझे शायद कोई भी मेरी पिक्चरों को, बदलापुर ऑल्सो गॉट, बट इसमें कुछ हद से ज़्यादा प्यार मिला है। ऑडियंसेज हैव लव्ड इट, इतने मैसेजेस आए हैं कि द फिल्म इज़ रेलिवेंट, द फिल्म इज़ अपीलिंग टू पीपल, द फिल्म इज़ गिविंग अ मैसेज एंड येट एंटरटेनिंग। तो अभी तो बहुत खुश है, पूरा हफ्ता इतना अच्छा गया, एंड होपफुली फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स ऑल्सो इट विल रन। बहुत अच्छा साइन है, दोनों अलग तरीके की फिल्में थी, वो अपनी जगह पे वर्क करी है, हमारी अपनी जगह पे वर्क करी है, लेकिन जैसा कि डीनो ने अभी बताया कि जो पिक्चर आज ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है वो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। उसी का रीज़न है कि हमारी फिल्म का जो फर्स्ट वीक लगा था, आई थिंक सेकेंड वीक उतना या उससे ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आई थिंक मीन्स जितना पब्लिक इसको पसंद कर रही है, आई थिंक ये फिल्म 4-5 हफ्ते तक चलेगी, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है, पूरी मेहनत से बनाई है, अब यही कर सकते हैं, जितना भी टैलेंट है उसको यूज़ करके पूरी मेहनत से एक फिल्म बनाई। तो बस बताना चाहते हैं सबको कि हमने इतनी मेहनत करी और 9 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है। और एक्चुअली ये फिल्म ऐसी है जो हम दोनों एंड डीनो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट ऑब्सेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रही है हमारे दिल से, एंड 1.5-2 साल हो गया इसके लिए, तो और भी टाइम हो गया। इट्स बीन द आई थिंक इट्स बीन लाइक 2.5 इयर्स दैट आई हैव स्टेड विद द स्क्रिप्ट, एंड आई एक्चुअली एब्सोल्युटली लव द स्क्रिप्ट। सो